ऐसी इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो हमारे घर में होनी चाहिए, इमरजेंसी में काफ़ी काम आती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कॉमन मेडिसिन जो डेली यूज़ में हमारे, कभी कभी हमारे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाता है तो उसमें आने वाली है। सबसे फर्स्ट है जो है पारासीटामोल PCM। ये MG 500 और 650 में MG में ये टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल होती है, जैसे क्रोकिन, डोलो, कालपोल, पाराशीप। इसके यूजेस की बात करें तो ये बेसिकली फीवर, बॉडी पेन, हेडक, सिर दर्द वगैरह होता है, बॉडी पेन होता है, इसके बाद बुखार की समस्या होती है तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। इस टैबलेट की प्राइस की बात करें तो 10 टैबलेट जो होती है वो आपको अच्छी, मतलब कम ही में मिल जाती है। इसके डोजेस की बात करें तो अगर आपने फर्स्ट डोज ले लिया तो उससे 5 से 6 घंटे बाद आप सेकेंड डोज का ले सकते हो। अगर डॉक्टर से संपर्क है तो आप डॉक्टर से इसके डोजेस की राय जरूर लें। अब नेक्स्ट ये जानते हैं कि एसिडिटी, जो आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो पेंटोप्राजोल 40 ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसका ये अलग अलग ब्रांड नेम और जेनरिक नेम अवेलेबल रहते हैं, जैसे पेंटो 40, पैन 40, पैन डी, इसके बाद पेंटोकाइंड, इसके बाद इंटासीड सिरप और टैबलेट भी मार्केट में आते हैं, जैसे डाइजेन, इनो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से रिलीफ के लिए आपको पेट सफा कायम चून आता है। इसके बाद डुल्कोफ्लेक्स भी आती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम एंटासिड सिरप और टैबलेट जो होते हैं वो अगर गैस की प्रॉब्लम होती है तो, अगर लिक्विड, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि टैबलेट से एलर्जी होती है, तो डाइजिन वगैरह पीने से बहुत जल्द ही उन्हें रिलीफ मिलता है। गैस जो होती है, गैस से एसिडिटी हो जाती है तो उसमें डाइजिन से काफ़ी राहत मिलती है। अब हम बात करते हैं कि पेन किलर मेडिसिन में कौन होना चाहिए। तो जीरोडॉल पी काफ़ी अच्छी पेन किलर मेडिसिन है। इसमें एसिलोफिनाक 100 mg और पारासीटामोल 325 mg होता है। मिफ्टाल, अस्पास और डोटिनेम जो अब एब्डोमेन पेन होता है तो उसमें ये यूज़ होता है। अगर कहीं चोट लग जाए तो चोट के लिए मूवोलिनी जेल, ओमिनी जेल। ये क्या होता है कि बाहरी सरफेस में जैसे चोट लग गया तो बाहरी सरफेस में तो कहीं कहीं ऐसी होती है कि पेन होती है, तो वहाँ पे ये जेल रहेगा तो आप इसको ईजिली उस जगह पे अप्लाई कर सकते हो। और ये सब भोलिनी, मूव, ओमनी जेल ये सब होते हैं तो पेन होता है तो उससे काफ़ी रिलीफ दिलाता है। नेक्स्ट जानते हैं कि वोमिटिंग के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हमारे घर में अवेलेबल होना चाहिए। तो वोमिटिंग के लिए ओनडेम MD4 जो काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, उसके बाद जोफार MD4, इस्मेट 4, ये सब वोमिटिंग के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर कफ और एलर्जी की प्रॉब्लम है तो कफ सिरप में आप अस्थाकाइन DX, और एलर्जी जैसे कोल्ड एलर्जी या फिर और सीजनली एलर्जी हो जाता है उसके लिए सिट्रिजिन अवेलेबल।